हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल स्टार्ट विद आर्ट सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे एंड जो मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी सो so मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा सिम्पलीफाई तरीके से आपके सामने जो है प्रेजेंट किया है एंड आप इनको इस वीडियोज़ को पूरा का पूरा लव सपोर्ट दीजिए जो भी ज़रूरत है जो भी मैं आपसे कहती हूँ लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए प्लीज़ कीजिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की एंड आपके लिए इतना अच्छा यूज़फुल कंटेंट अगर मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों को भी पसंद आ रहा है कॉमेंट्स में आप कह रहे हैं मुझसे कि आप काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बना रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड जो आज जो है आज का जो मतलब मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का आगे की कंटिन्यूशन ही है सो जो भी हमने पहले तक अभी पढ़ा है एनशेंट से लेके ठीक है जितना भी हमने मिनिएचर कंप्लीट किया है सो उसके आगे का ही जो है मैं इसमें पढ़ाऊंगी एंड मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी जब हम पढ़ेंगे मतलब आगे का जो पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको पुराना वाला रिवाइज भी करा दूंगी सो so, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो सो so, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट ठीक है रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थानी स्कूल एंड उसके आ, सब स्कूल्स पढ़ेंगे ठीक है तो जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मिनिएचर्स के बारे में ठीक है अलग अलग रूलर आ, के टाइम पे कौन कौन से मिनिएचर्स बन रहे थे ठीक है so, सो ये मेडिवल इंडिया की बात हो रही है मेडिवल इंडिया में हमने जो पढ़े थे पहले डेली सल्तनत के टाइम पे हमने सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का नाम पढ़ा था ठीक है जो कि कुकरी के ऊपर बुक है उसका नाम था निमतनामा तो उसके बारे में हमें मतलब डेली सल्तनत के मिनिएचर्स जो हैं हमें उसमें से मिलते हैं एंड देन हमने मेडिवल एरा में ही हमने मिनिएचर्स पढ़े हैं जो कि हमारा मुगल्स के टाइम के मिनिएचर्स थे जिसमें हमने पढ़े अलग अलग रूरल रूलर के टाइम पे कौन कौन से मिनिएचर्स बने सो so, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट ठीक है सो इवन दो द मेडिवल पीरियड वॉज डोमिनेटेड बाय द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग द सब इम्पीरियल स्कूल डेवलप्ड द स्पेस फॉर देम बाई डेवलपिंग देयर ओन स्टाइल्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेडिवल पीरियड है वो पूरा का पूरा मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ने डोमिनेट कर रखा है ठीक है लेकिन फिर भी सब इम्पीरियल स्कूल्स जो हैं वो अलग अलग आ, एरिया में जो हैं डेवलप होते गए अपना अपना स्टाइल उन्होंने बनाया दे रिमेंबर देयर इंडियन रूट्स एंड अ पेंशन फॉर कलरफुल पेंटिंग्स एज अपोज टू मोर नेचुरलिस्टिक मुगल स्टाइल वे अपना मतलब जो आ, जैसे कि बाकी के स्कूल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे तो उनमें इंडियन इंडियन जो इंडियन जो स्टाइल है इंडियन टच है वो उनमें पहले से ही बना हुआ था एंड मोर नेचुरलिस्टिक और ज़्यादा नेचुरलिस्टिक ने थे मुगल स्टाइल से एज़ कम्पेयर टू मुगल स्टाइल वो और ज़्यादा नेचुरलिस्टिक पेंटिंग जो है उसमें बनती थी सो द डिफरेंट स्कूल्स एंड स्टाइल्स दैट डेवलप इन दिस पीरियड वर राजस्थान एंड राजस्थानी एंड पहाड़ी सो so दो तरह के स्कूल बने स्कूल uh, स्टाइल जो है वो डेवलप हुए थे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है तो हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे एंड जिन्होंने जो वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दू पहले आप जो पहले लेसन वन से चैप्टर है आप उन्हें कंटिन्यू कीजिए एंड उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ठीक है और जो बच्चे रेगुलरली वॉच कर रहे हैं उनके लिए तो ईजी हो ही गया आई थिंक सब कुछ ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं अभी विद द डिक्लाइन ऑफ़ द मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव टू द कोर्ट्स ऑफ एमर्जिंग रीजनल स्टेट्स जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था ठीक है औरंगजेब के टाइम पे जैसे उसने जो है पेंटिंग वर्क बंद करवा दिया था बिल्कुल सो so, कुछ पेंटर्स जो थे वो वहाँ से निकल के जो है रीजनल स्टेट्स में जा चले गए ठीक है एक तरह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था एंड के टाइम पे क्योंकि उसने तस्वीर खाना भी बंद करवा दिया था जो कि अकबर ने बनवाया था पेंटिंग जहाँ पर होती थी सो so, वो जब सब चीज़ें जब बंद हो गई थी तो जो बाकी के कुछ पेंटर्स हैं वो चले गए वहाँ से रीजनल स्टेट्स में इंडिया के एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान सो so, इसकी वजह से जो मुगल का मतलब आर्टिस्टिक टेस्ट है वो भी इंडियन उनमें मिक्स हो गया एक तरह से जब वहाँ यहाँ के आर्टिस्ट जो हैं इस तरह का वर्क करते थे तो वो जाकर जब अलग अलग रीजनल स्टेट्स में गए तो वहां के इंडियन स्टाइल में मतलब जो उनका अपना रीजनल स्टाइल था उसमें जाके वो मिक्स हो गए मिक्स हो गया मतलब उनका जो स्टाइल था एक तरह से उन्होंने मिक्स कर, मिक्स वर्क करना स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन यानी कि सिक्सटीन टू नाइनटीन सेंचुरी तक जो है ये राजस्थान का स्कूल चला देन राजस्थान जो है राजस्थान आर द प्लेस ऑफ किंग्स और प्लेस और स्टेट नोन एज राजस्थान मतलब राजस्थान वर्ड का मतलब मैंने बताया इसमें आपको कि राजस्थान शब्द का मतलब क्या होता है ऐसा जगह यानी कि प्लेस ऑफ राजाज राजाज यानी कि किंग्स राजाओं की जगह और प्लेस और स्टेट राज्य इज नोन एज राजस्थान ठीक है स्थान जो स्टेट राज्य है क्या कहते हैं राजस्थान ऑल्सो नोन एज राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट इसको हम क्या और कहते हैं कि राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं इसे हम और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं ठीक है सो एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि विच स्कूल इज नोन एज राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को हम ये दोनों नाम से भी बुलाते हैं नेक्स्ट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अर्लियर इट वॉज फेमस फॉर मुगल आर्ट जो uh, क्या नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है ये पहले मुगल म्यूरल आर्ट के लिए सॉरी म्यूरल आर्ट के लिए फेमस था ये ठीक है थीके? उसके बाद इसमें मिनिएचर काम जो है होने लगा था आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द राजपूत किंग्स क्योंकि राजस्थान जो है यहाँ पर राजाओं का एक तरह से प्लेस है ये राजा जो है यहाँ पर बहुत सारे राजा ने राज किया है तो इस तरह से जो है ये राजपूत किंग्स के अंदर एंड वो किंग्स कौन से थे राजपूत किंग्स थे तो राजपूत किंग्स के अंदर जो है ये ये जो आर्ट है वो डेवलप्ड हुई है मोस्टली पेंटिंग्स वर डन ऑन रोमांस एंड जनरल फोक थीम्स जो ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग यहां पर हुई है वो रोमांस पर रोमांस इनका थीम है एंड जनरल फोक थीम्स यानी कि जनरल जो फोक थीम्स होते हैं छोटे छोटे से वो इन चीजों पर यहाँ पर बेसिकली पेंटिंग्स बनी है नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ कृष्णा स्टैंड फॉर डिवाइन सोल एंड राधा फॉर द ह्यूमन सोल जो यहाँ पर कृष्णा जो है उसको जो फिगर है उसको एक डिवाइन रूप में दिखाया गया है और जो राधा की फिगर है उसको किस में दिखाया गया ह्यूमन सोल में यानी कि एक भगवान और भक्त भग का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है इसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ राजस्थानी आर्ट फ्लरिश्ड इन मेवाड़ सो सबसे पहले जो राजस्थानी आर्ट थी वो फ्लरिश्ड हुई थी मेवाड़ में क्योंकि जब मुगल्स ने अटैक किया था तो काफ़ी सारे रीजन्स में किया था लेकिन मेवाड़ में नहीं किया मेवाड़ में नहीं मेवाड़ जो है वो बच गया था इसलिए मेवाड़ में जो है सबसे पहले राजस्थानी आर्ट जो है वो फ्लरिश्ड हुई थी अच्छे से So, अब हम पढ़ते हैं कि सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल यानी कि राजस्थानी स्कूल के सब स्कूल्स कौन कौन से हैं ठीक है सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट सेकंड किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट और बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट सो आज हम ट्राई करते हैं सारे पढ़ने की नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आज हम देख लेते हैं इतना ठीक है so, सो सबसे पहले आता है मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट से हर जो स्कूल है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक पैटर्न यानी कि जिसने डोनेट किया यानी कि किंग ठीक है दूसरा उन पर इन्फ्लुएंस किस किस स्टाइल का रहा तीसरा एक आर्टिस्ट वहाँ के आर्टिस्ट कौन कौन से थे जिन्होंने फेमस वर्क किया चौथा सब्जेक्ट मैटर मतलब कि उनका जो पेंटिंग बनाने के सब्जेक्ट्स थे वो क्या क्या थे तीसरा है चौथा पांचवा है कैरेक्टिस्टिक्स यानी कि उन पेंटिंग्स की खासियत क्या थी एंड देन लास्ट में एग्जाम्पल फेमस पेंटिंग्स वगैरह जो है उसकी तो हर आपको मतलब चाहे कोई सा भी स्कूल हो मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट बूंदी हो ठीक है अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट इन सब में अगर कोई भी चीज़ कॉमन है तो वही सब चीज़ें एंड आपको ये डायरेक्टली याद करनी पड़ेंगी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं ऐसा आपने इन्हें याद करना है एंड याद करने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप कुछ ट्रिक्स जैसे कि पैटर्न कौन थे मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट के सो यहाँ के पैटर्न थे राणा प्रताप जगत सिंह वन पैटर्न यानी कि इन्होंने डोनेट किया इसके लिए एंड इन्होंने इस आर्ट को सपोर्ट किया था तो राणा प्रताप और जगत सिंह वन यहाँ के पैटर्न थे इन्फ्लुएंस किस चीज़ का रहा था तो सेंट्रल इंडियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस था इस पर वेस्टर्न इंडियन का भी इन्फ्लुएंस था गुजरात जैन मैन पर्शियन इन्फ्लुएंस यानी कि मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में इन सब का जो है इन्फ्लुएंस रहा था वैसे ज्यादातर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है कि आपने सब स्कूल पहचानना होता है कि जैसे जो राजस्थानी के सब स्कूल है जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी सो so, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है ये पहाड़ी से बिलोंग करता है या राजस्थानी से बिलोंग करता है या फिर आपको मतलब डायरेक्ट दे देते हैं कि ये जो किंग मतलब पैटर्न जो है यानी कि मेवाड़ स्कूल का पैटर्न कौन है आपने पहचानना होता है उसमें से टिक लगा देना होता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी इसी को पहचानने के लिए आता है कि किंग कौन था ठीक है आर्टिस्ट कौन था और क्या नाम है कौन से कैटेगरी के अंदर ये जो है सब स्कूल्स आ रहे हैं राजस्थानी और इधर पहाड़ी नेक्स्ट है आर्टिस्ट जो थे यहाँ के साहिद्दीन और मनोहर ये दो मेन आर्टिस्ट थे यहाँ के साहिद्दीन एंड मनोहर ठीक है तो आपको एक ट्रिक बता देती क्यों मैं ट्रिक इन द सेंस कि आपने ना कैसे याद करना है क्योंकि बहुत सारे सब स्कूल से आगे पहाड़ी के भी आएंगे सबका अपना पैटर्न है सबका अपना आर्टिस्ट है ठीक है सबका इन्फ्लुएंस है सबका सब्जेक्ट मैटर है तो सब्जेक्ट मैटर वगैरह जो है ये आप एक बार पढ़ सकते हैं ठीक है बाकी जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है सबसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि राजस्थानी आर्ट के जो सब स्कूल्स हैं वो कौन कौन से हैं और पहाड़ी के जो सब स्कूल हैं वो कौन कौन से हैं ठीक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी फ़िलहाल आपने जो मैंने लिस्ट बताई थी उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा गलती से भी मिस्टेक मत कीजिएगा इसमें ठीक है तो आप कैसे याद कर सकते हैं मतलब जैसे मैंने जैसे याद किया था मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल हैं काफ़ी सारे इसमें मतलब आर्टिस्ट आएंगे पैटर्नस आएंगे सबके नाम याद रखना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है तो आप लोग क्या कर सकते हैं तो आप लोग ना क्या करना है आपने जैसे राणा प्रताप और जगत सिंह वन आपको कुछ ना कुछ स्टोरी क्रिएट करनी है सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस चीज़ के साथ मतलब जैसे हम मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट के आपने याद रखना है तो इस नाम के साथ आपने कोई स्टोरी क्रिएट करनी है पूरे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके तो मैं तो हमेशा ऐसे ही याद करती थी इससे क्या होता था कि मेरे को वो स्टोरी लाइन याद आ जाती थी तो जो एग्ज़ाम में है मुझे अटैम्प्ट करने में दिक्कत नहीं होती थी जैसे कि राणा ये बहुत फ़नी सी है मतलब एक तरह से बहुत कुछ सेंस नहीं निकलता है इन लाइंस का लेकिन आपने अगर इन लाइंस को इस तरह से बनाया आपने हर चीज में अगर इन लाइंस को इस तरह से बना के याद कर लिया और तीन तीन चार चार बार लिख के देख लिया तो मैं गारंटी कह सकती हूं कि आप जो हैं कोई भी आंसर एम देखते ही आपके दिमाग में वो चीज़ फिट रहेगी तो वो आप खुद पर खुद टिक लगा देंगे ठीक है आपको कंफ्यूज होने की वहां पर जरूरत पड़ेगी ही नहीं तो आप कर सकते हैं जैसे राणा प्रताप और जगत सिंह वन मे वॉर यानी कि मे वॉर मतलब यहाँ यहाँ पे एक इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो मे वॉर वॉर मतलब लड़ाई और मे वॉर यानी कि राणा प्रताप और जगत सिंह में वॉर हुई वॉर हुई ठीक है एक तरह से आपने इस तरह से कोई ना तो कोई स्टोरी क्रिएट करनी है तो राणा प्रताप और जगत सिंह ये नाम याद रखना है राणा प्रताप जगत सिंह में वॉर हुई मे वॉर हुई यानी कि उनमें लड़ाई हुई साहिब दिन मनोहर यानी कि आर्टिस्ट का नाम भी याद रखना है तो साहिब एक का दिन जो है वो मनोहर हुआ साहिब एक का दिन मनोहर हुआ यानी कि एक जो आर्टिस्ट है यानी कि एक जो लड़ाई हुई जब इन दोनों में इन दोनों में जब वॉर हुई मे वॉर हुई तो साहिब एक का दिन मनोहर यानी कि अच्छा हुआ एक का दिन और एक जो है जीत गया था जिसकी वजह से दूसरा हार गया तो एक साहिब एक का दिन जो है वो मनोहर हुआ तो आपने इस तरह से कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट करनी है अब आप इस लाइन को पांच छः बार याद कीजिए मेरे साथ राणा प्रताप और जगत सिंह में वॉर हुई ठीक है राणा प्रताप और जगत सिंह वन में वॉर हुई जिसकी वजह से साहिब दिन एक का दिन जो है वो मनोहर हुआ सो आपने इसी लाइन को कई बार रिपीट करना है एंड इसी लाइन को लिख के देखना है तो आपका अब जब एग्जाम में पूछेगा कि राणा मतलब मे स्कूल के पैटर्न कौन है ठीक है तो आपने याद आएगा मे तो आपको याद आएगा राणा प्रताप और जगत सिंह में वॉर हुई किन दोनों में वॉर हुई थी राणा प्रताप और जगत सिंह में सो so अगर आप ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई एक दे रखा है तो आप टिक लगा देंगे एंड पूरी लाइन याद रखने के लिए साहिब एक का दिन मनोहर हुआ अगर आपने आर्टिस्ट पूछा है तो साहिब दिन मनोहर यानी कि एक का दिन मनोहर हुआ सो इस तरह से आपको जो है आर्टिस्ट का नाम भी याद आ जाएगा सो ये तरीका मैंने मतलब खुद ही देखा था कि कैसे इससे हम अच्छे से याद कर सकते हैं बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या स्टोरी बना के याद करते हैं मैंने आपको एक में एग्जाम्पल दे दिया मैं सब में तो नहीं बना सकती बट ट्राई करते हुए अगर सब में बन जाता है तो कोशिश करते हैं ठीक है ये मैंने ऐसे ही आपको जल्दी से बता दिया मतलब कुछ भी कि कोई भी ऐसी स्टोरी आपने क्रिएट करनी है सो so, इस तरह से आप पैटर्न आर्टिस्ट का नाम याद रख सकते हैं उसके सब स्कूल के नाम से ठीक है जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट के पैटर्न राणा प्रताप जगत सिंह और आर्टिस्ट जो है साहिदीन मनोहर देन आता है सब्जेक्ट मैटर रागमाला सीरीज म्यूजिक इसको आप एक दो बार पढ़ लीजिए ठीक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने फिर भी ये लिख दिया है कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्या क्या थी यहाँ के जो पेंटिंग्स बनती थी बोल्ड कलर्स का यूज होता था एंगुलर फीचर मार्क्स एंड नेटिव स्टाइल यानी कि एंगुलर फीचर्स थे काफी इम्पर्फेट प्रोपोर्शन प्रपोर्शन इतने ज्यादा परफेक्ट नहीं थे इम थे प्रपोर्शन ठीक फिर एग्जाम्पल है इसका रागिनी वन एंड मारू रागि मारू रागिनी टू सो मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट की पेंटिंग्स एग्जाम्पल मारू रागिनी वन एंड रागिनी टू नेक्स्ट नेक्स्ट स्कूल आता है हमारा बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है सो बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट इसमें भी आप ऐसे ही कुछ करके याद कर सकते हैं जैसे यहाँ के पैटर्न थे हरा राजपूत डायनेस्टी यहाँ को जो मतलब इस स्कूल को किसने फ्लरिश किया है हरा राजपूत डायनेस्टी ने यहाँ का इन्फ्लुएंस मुगल इन्फ्लुएंस इन शेडिंग जो मुगल इन्फ्लुएंस है ना आर्ट का क्योंकि यहाँ के आर्ट जो रीजनल आर्टिस्ट आए थे यहाँ पर जो मुगल्स के स्कूल से आए थे तो मुगल इन्फ्लुएंस ना आपको ऑलमोस्ट सारे स्कूल में मिलेगा बस एक को छोड़ के ठीक है सो so इन्फ्लुएंस किस पे पड़ा है मुगल इन्फ्लुएंस है इन शेडिंग पर्सपेक्टिव फाइन लाइन यहाँ पर पर्सपेक्टिव का भी यूज है बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट में और फाइन लाइन्स का यूज होता था ठीक है आर्टिस्ट यहाँ के हैं उत्कल राम सो so इसमें हम आपने कोई स्टोरी बनानी है जैसे कि बूंदी बूंद मतलब आपने समझ लिया ना बूंद से बूंदी से बारिश ठीक है बूंद मतलब बारिश तो उत्कल राम कल राम ने बारिश की जिसकी वजह से राजपूत जो है हरे हरा हरा, हरा हो गया मतलब राजपूत डायनेस्टी जो है वो हरी हो गई एक तरह से आप ऐसे ही कोई स्टोरी बना के याद रख सकते हैं आई नो ये बहुत ज्यादा वियर्ड लाइन्स हो जाती हैं लेकिन अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आप जो है नहीं भूलेंगे एग्जाम में आपको सिर्फ नाम देखते ही वो लाइन याद आएगी ना आपने सारे टिक कर दे चाहे आर्टिस्ट पूछे चाहे पैटर्न पूछे ठीक है सो so, कल राम ने बारिश की बूंद मतलब बूंद की एंड जिससे राजपूत डायनेस्टी जो है वो हरी हो गई यानी कि जब बारिश होती है तो सब कुछ हरा हरा हो जाता है ना इस तरह से हरा राजपूत डायनेस्टी राजपूत डायनेस्टी जो है हरी हरी हो गई उत्कल राम ने बारिश की इस तरह से आपने याद रखना है ठीक है नेक्स्ट है यहाँ के सब्जेक्ट जो है रागमाला सीरीज जैसे कि मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में बेबी रागमाला सीरीज ठीक है बारह मास है यानी कि बारह महीने जो हिंदी वाले बारह महीने उनके ऊपर आपको पेंटिंग मिल जाएगी जैसे कि वसंत ऋतु ठीक है इन सब ऋतुओं पे आपको मतलब इन सब महीनों पे आपको पेंटिंग मिल जाएगी देन रसिक प्रिया कैरेक्टिस्टिक जो है यहाँ की रियलिस्टिक एंड नेचुरल फॉर्म रिच एंड ब्रिलियंट कलर्स मोर एक्सपेसि फिगर्स देन मेवाड़ यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रियलिस्टिक और नेचुरल फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगी बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट में ठीक है एंड रिच एंड ब्रिलियंट कलर्स का यहाँ पे यूज़ हुआ, हुआ है मोर एक्सप्रेसिव फिगर्स देन विवाड़ जैसे उसमें थोड़ी प्रोपोर्शनेट फिगर्स नहीं थी इसमें काफ़ी अच्छे एक्सप्रेसिव फिगर्स का उन्होंने यूज़ किया है पेंटिंग्स में एग्जाम्पल है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा सो इस मतलब बूंदी स्कूल के आ, पेंटिंग का एक्जाम्पल बता रखा है ये राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा इस तरह की वहाँ पे एक पेंटिंग मिली है नेक्स्ट है हमारा जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट अभी तक हमने दो स्कूल कवर कर लिए हैं ठीक है मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट एंड बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट आर्ट्स उन दोनों की मेन लाइंस क्या क्या थी मेवाड़ स्कूल में हमने कि राजा जगत सिंह और राणा प्रताप के बीच में वॉर हुई मे वॉर हुई एंड साहिब दिन एक का मनोहर एक का दिन जो है वो मनोहर हुआ यानी कि साहिब एक का दिन जो है मनोहर हुआ, हुआ एक का दिन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि एक जना जीत गया जब वॉर होती है तो कोई हारता है कोई जीतता है ठीक है इस तरह से आपने याद रखना है दूसरा क्या था बूंदी स्कूल बूंदी स्कूल में हमने जैसे अभी पढ़ा था कि बूंद मतलब बारिश तो उत्कल कल राम ने बूंद की यानी कि बारिश की जिसकी वजह से राजपूत डायनेस्टी जो है हरी हरी हो गई ठीक है तो यानी कि राजपूत डायनेस्टी हरी हो गई जब बारिश होती है तो सब कुछ हरा हरा हो जाता है ना ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर सो इस तरह से कल राम ने बूंद की एंड राजपूत डायनेस्टी हरा हो गई यानी कि हरी हो गई एक तरह से नेक्स्ट है हमारा जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट जिसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न जो है आगे जैन मर्चेंट्स राजा मानसिंह इन्फ्लुएंस किसका है जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड मुगल इन्फ्लुएंस जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग और मुगल इन्फ्लुएंस तो मैंने आपको बताया कि हर किसी में देखने को मिलेगा लेकिन जोधपुर स्कूल में जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ज्यादातर बनती थी आर्टिस्ट आर्टिस्ट का नाम क्या है 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 दाना दाना फेमस ठीक so, इसमें हम कोई स्टोरी बना सकते हैं जैसे कि जो आपने जोधपुर से जो याद रखना है ठीक है जो जो जैन जो राज नहीं जो जैन जो मैन और जो डैन जैन मैन डैन ठीक है इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जैन जैन से आपको याद रह जाएगी जैन मर्चेंट्स मेन जोधपुर से रिलेटेड किस चीज की पेंटिंग बनती थी जैन पेंटिंग्स सो so, जो जैन जो मान राजा तो देखो राजस्थान में है ही राजा सारे के सारे लेकिन मेन क्या याद रखना है आपने बीच का जो नाम होता है मान so, सो मैन यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये मैन वर्नर ठीक है जो जैन जो मैन एंड जो दैन दाना यानी कि जो दाना भी आप याद रख सकते हैं ठीक है सो so, जो जैन जो मैन जो दैन इस तरह से आपने ये जो है याद रखना है कि जोधपुर यानी कि जो जो से जो जैन 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 मर्चेंट्स नाम याद आ जाएगा जो मैन यानी कि राजा मान सिंह जो बैन यानी कि दाना यहाँ का मेन आर्टिस्ट सो so नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर यानी कि यहाँ का जैसे मैंने आपको ये लाइन बताई आपने इसे याद करना है लिख लिख के याद करना है तो आप ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे सब्जेक्ट मैटर है इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन शिव पुराण नलचित्र दुर्गा चित्र एंड पंचतंत्र so ये सारे जो हैं यहाँ के सब्जेक्ट मैटर हैं जो जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में मिनियचर्स में बनाए जाते थे ठीक है पंचतंत्र स्टोरीज दुर्गा चित्र शिव पुराण और नलचित्र नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक चार्मिंग सिंप्लिसिटी इन फीमेल फिगर्स ब्यूटीफुल लॉन्ग अपलिफ्टेड आइज बहुत सिंप्लिसिटी है फीमेल फिगर्स में चार्मिंग फिगर्स बनाई गई हैं ठीक है एंड एग्जाम्पल है चौगान प्लेयर्स सो so, जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट की पेंटिंग एग्जाम्पल है चौगान प्लेयर्स मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की एग्जाम्पल क्या था मारू रागिनी वन एंड मारू रागिनी टू एंड उसका बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा हमने ये जो पढ़ा था ना यहाँ पे ये जो पेंटिंग का नाम है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा एंड देन यहाँ पे मारू रागिनी वन एंड मारू रागिनी टू सो बाकी का जो है हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे ओके सो so गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए इसको कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें एंड लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है अब नई वीडियो में मैं नए कंटेंट के साथ आऊँगी एंड uh, वहाँ पर जो है हम और अच्छे से स्टडी करेंगे और एम सी क्यू उसको पढ़ेंगे तो चलिए मिलते हैं अब अब नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय बाय प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब इट ओके भूलिएगा मत बिल्कुल भी मत भूलेगा